हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज शाम को ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ और थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ राजस्थान, स्पेसिफिकली जोधपुर, और ये जर्नी हम करेंगे ट्रेन से, और वहाँ पे फिर हमारे पास में होगी गाड़ी और वहाँ होगी बाइक, तो फिर हम उससे घूमेंगे वहाँ पे। सामान ऑलरेडी सब तैयार कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। भाई लोग अपना सामान पैक हो गया है, एक ये सूटकेस है और बाकी एक ये है, एक गाड़ी में नीचे रखा हुआ है। तो ये चार बैग हैं और अपन खुद भी रेडी एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब टैक्सी हम बुक कर रहे हैं और कैब बुक करने के बाद फिर अपन मिलते हैं आप लोगों को दोबारा। तो भाई कैब कर ली अपनी हमने, अब कैब में बैठ चुके हैं। देखो हंसते हंस के बैठ गए हैं क्योंकि आगे वाली सीट पर सामान रख दिए, थोड़ा सामान पीछे चला गया, चार बैग ऑलरेडी हैं। तो अब जा रहे हैं हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ से पकड़ेंगे हम अपनी मंडोर एक्सप्रेस जोधपुर जाने के लिए। तो मिलते हैं सीधा आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जी अपन आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे और ये खड़ी है हमारी मंडोर एक्सप्रेस। 9:20 का टाइम है, मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये है मंडोर एक्सप्रेस और ये जाएगी, पता नहीं आज इस पर आश्रम एक्सप्रेस और मंडोर एक्सप्रेस दो लिखा हुआ है, अदरवाइज ये मंडोर एक्सप्रेस के नाम पे ही होती है। और ये देखिए, अगर अंदर का आपको दिखाई दे रहा हूँ तो ये मैडम खड़ी हुई हैं, बच्चों को ऊपर चढ़ा रही हैं। तो अपनी सीटें यहीं हैं और 9:20 का टाइम है और एसी कोच है, थर्ड एसी है। इसका किराया हम लोगों को पड़ा समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़। तो ठीक है, अच्छा है, अच्छी कूलिंग हो चुकी है, टाइम पे निकलेगी बता रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अंदर। बच्चा पार्टी सो एक्साइटेड ना, और इसको तो अपना हमेशा ही ना चेहरा ढक देना होता है। सीटें मिल गई, बाकी अभी कोई आया नहीं है आजू बाजू वाला, ये सारी हमारी है अभी तक, तो बाकी देखते हैं। हे गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स ए नेक्स्ट डे और शक्ल से पता लग रहा होगा अभी सो के उठे हैं यार। ये देखो इसकी भी, ये भी बिल्कुल अभी सो के उठा है। और हम पहुंच चुके हैं राई का बाग, तो ऑलरेडी हम जोधपुर एंटर कर चुके हैं। रात का इसलिए नहीं दिखा पाए कि बाकी सब लोग भी थे और मैं किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। पर्सनल सब लोग अपना खाना वाना खाते हैं, देखते हैं, तो मैंने जानबूझकर डिस्टर्ब नहीं किया था। तो अब राई का बाग हम पहुँच चुके हैं, अगला स्टेशन हमारा ही है और फिर वहाँ उतर के फिर दोबारा आपसे बात करूँगा। तो थोड़ा बाहर का दिखा देता हूँ आपको। चलिए जब तक आप बाहर देख रहे हैं, मैं आपको ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मंडोर एक्सप्रेस है दिल्ली टू जोधपुर, ट्रेन नंबर है 22995। डिपार्चर टाइम होता है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9:20 शाम को और अगले दिन सुबह पहुँच जाते हैं 7:45 पर जोधपुर। 620 किलोमीटर टोटल कवर करती है, टोटल स्टेशन 18 कवर करती है और 16 जगह हॉल्ट होता है और मैक्सिमम स्पीड रहती है इसकी 110 किलोमीटर पर आवर। जोधपुर साबरमती, चाय 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 चाय। 15 मिनट हो गए यार खड़े खड़े ना यहाँ पे, पता नहीं किसको पास दे रहे हैं। फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद में अपन निकल चुके हैं और अगले 10 मिनट में कहाँ पहुँच जाएंगे नाया, जोधपुर। ओके, चलिए ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ओल्ड दिल्ली से स्टार्ट होती है और 2-2 मिनट के होल्ट है, दिल्ली कैंट, पालम, बिजवासन, गुरुग्राम, गढ़ी, हरसारू, पटौदी रोड, रेवाड़ी, और इसके आगे जब ये बढ़ती है, रेवाड़ी से आगे जब आगे चल पड़ती है तो फिर ये पहुंचती है अपने अगले स्टेशन पे, जो इसका अगला स्टेशन है अलवर। अलवर के बाद ये बांदीकुई, दौसा और जयपुर सबसे ज़्यादा रुकती है 10 मिनट के लिए, जहाँ पहुँचती है 2:20 पर रात को। कुचामन सिटी, मकराना, देगाना, मेट्रो रोड, गोटन होते हुए सीधा पहुँच जाती है जोधपुर। और इस वाली जो ट्रेन में है आपको जनरल क्लास से लेके फर्स्ट एसी तक के डब्बे आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। हाय, ये देखो जो हमें लेने वाले आप भी गए हैं। भाई अपन आ चुके हैं जोधपुर और अब हम जा रहे हैं घर। ये हमें लेने आ गए थे इधर और अब यहाँ से सीधा हम निकल रहे हैं अपने घर। ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, अब ट्रेन को बाय बाय और सीधा मिलते हैं आपको घर पे, या रास्ते में दिखाते हैं। हाय
गाड़ी अपने पास रहने वाली है अब जोधपुर के पूरे ट्रिप में, और ये है फोर्ड की फीगो। हाँ, फोर्ड फीगो। तो मीता जी चला रही हैं और ये पार्किंग में, हम पार्किंग में, और जो पार्किंग है रेलवे स्टेशन की, मेन जोधपुर रेलवे स्टेशन की। जोधपुर में घुसते ही ना सबसे पहला काम क्या किया है हमने, कराई लस्सी पैक, वो भी नौ, पूरी नौ लस्सी पैक कराई है, और जाके सबसे पहले लस्सी भी आएंगे क्योंकि यहाँ की लस्सी बड़ी बेहतरीन है। वो देखो तो जी, हम आ गए हैं अपने घर पे, मतलब मासी का घर है, भाई है, भाभी है, साले साहब है, कई रिश्ते हैं, तो यहाँ पे हम आ गए हैं और अंदर सेटल हो चुके हैं। नायरा बोरी है, नायरा तो नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है। आज कुछ खास वैसे मूड है नहीं करने का, आज सिर्फ इतना मूड है कि भाई हम जाएंगे और थोड़ा बहुत हुआ तो शाम को मार्केट वार्केट एक्सप्लोर करेंगे, इससे ज़्यादा भी कुछ मूड है नहीं, अदरवाइज आज करेंगे आराम। ठीक है, तो बता देंगे जो भी होगा, आप तो बने रहिए वीडियो के साथ में, और अगर चैनल वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और देखते रहिए एक्सप्लोर विद विक्की। लस्सी आ गई मस्त, यू कॉन्ट स्टॉप योर सेल्फ ना, उस पर इतना सारा बटर है और ये ड्राई फ्रूट्स दुनिया भर के, यम्मी लग रही है यार, यम। तो रात हो गई है और पूरा दिन सोए हैं भाई, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, और वो उधर घर है अपना, और अभी थोड़ा सा वॉक के लिए मैं निकल गया था आराम से, थोड़ा सा भारी भी लग रहा था कि भाई पूरा दिन बैठ रहे हैं, मगर अब निकल चुके हैं और अब फिर दोबारा वही खाएंगे पिएंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं और घर पे मैं हूँ, रजनीश हैं, भाई है, और वो बना रहे लाल मांस, मैं दिखाऊंगा भी आपको, और साथ में मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी वॉकिंग क्योंकि दो दिन हो गए थे ऐसे बैठे बैठे, बच्चे गए हैं कहीं घूमने, कहीं मॉल वॉल पे गए हैं कहीं घूमने के, भी बैठे बैठे हम भी बोर हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने, हम दोनों अकेले हैं, तो वो अपना कुकिंग कर रहे हैं, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, उसके बाद एंजॉय करेंगे। खाना खा लिया है, खाना खा के वापस पार्क आ गया, आ गया हूँ, राउंड मार लिया बच्चों ने भी और हमने भी, सबने नायरा कहा है, नायरा बोरी नायरा, और अब लाल मांस खाया है, देखा है ना मस्त बना हुआ था, बढ़िया वाला, और अब सबको गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो क्या करना है पता है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैसेज करके जरूर बताओ कि आपको व्लॉग कैसे लगा है। तो मिलते हैं कल सुबह, टिल देन बाय बाय।